भागलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन मुस्कान के तहत बरामद 4.5 लाख की कीमत के मोबाइल को उसके वास्तविक धारक को सुपुर्द कर देने की जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और सिटी एसपी राज की निगरानी में आईडीयू की टीम एवं थाना ने वर्ष 2024 में अब तक कुल 30 मोबाइल बरामद किया है, जबकि आगे किसी भी प्रकार से चोरी, छीनतई, लूटपाट या अन्य कारणों से गुम हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही बता दें, एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष 2023 में ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस ने अब तक 50 लाख के कीमत की 359 मोबाइल को बरामद कर उसके वास्तविक धारक को सौंप दिया है, जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। यही इस अभियान की सफलता का राज है। अभी करीब 30 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किया है अलग अलग स्थलों से, जिसके खोने की सूचना उसके जो धारक है उन्होंने अपने जो लोकल थाना थे उसको उपलब्ध कराई थी, और हमारी जो टीम है मोबाइल रिकवरी टीम लगातार मोबाइल को खोजने में और उसको उसके जो वास्तविक धारक हैं उसको देने में लगी हुई है, और इसी क्रम में आज 30 मोबाइल की बरामदगी हुई है और उनको जो उसके वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध कराया गया है, और इसकी लगभग जो कीमत है 5.5 लाख रुपए की है। और इस प्रकार जो ऑपरेशन मुस्कान के तहत हम लोगों ने अभी तक 359 मोबाइल को खोज के और उसके जो वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध कराया है। लगभग 50 लाख रुपए का मोबाइल हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत उसके वास्तविक धारकों को उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि जो जिनका मोबाइल खोया है उसके चेहरे पर हम लोग मुस्कान लाने में कामयाब रहे हैं। और यह जो ऑपरेशन मुस्कान का जो ऑपरेशन है ये लगातार चलता रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संख्या में मोबाइल जो खोया हुआ है या छीना हुआ है या चोरी किया गया हो उसको रिकवर करके और उसके जो वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध करा सकें। दूसरा